अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम किस तरीके से वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाएंगे जिसके अंदर बिल्कुल आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत है जो भी करैक्टर्स आप लोग ड्रॉ करना चाहते हैं ठीक है उसमें ये नहीं है कि आपको कोई एनिमेशन बनानी पड़ेगी कोई करैक्टर बनाना पड़ेगा कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा जस्ट आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है पाँच से छः क्लिक करने हैं और आपकी वाइट बोर्ड एनिमेशन तैयार हो जाएगी आप लोग ब्लैक एंड वाइट भी बना सकते हैं आप लोग कलरफुल भी बना सकते हैं और सबसे बढ़ के ये कि जितनी चाहे मर्जी बनाए बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं आप लोग फिर उसको यूज़ करते हुए आप लोगों ने अपने आइडियाज़ को जनरेट करना है कुछ आइडियाज़ मैं भी आप लोगों को दूंगा कि इन आइडियाज़ को यूज़ करते हुए आप लोगों ने वाइट बोर्ड एनिमेशन से बहुत ज़्यादा अर्निंग करनी है ठीक है बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप हैं दो से तीन मिनट के अंदर आप लोग ये सारी चीज सीख जाएंगे और जब इंप्लीमेंट करने लगेंगे एक एनिमेशन के ऊपर आपके 10 से 15 सेकंड लगेंगे सिर्फ ठीक है तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं जी तो आप लोगों को पता है एक एप्लीकेशन का सब कोई पता होगा कैनवा सिंपली आप लोगों ने कैनवा पर आ जाना है कैनवा पर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्रिएट क्रिएटर डिजाइन के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो अपनी मर्जी का कस्टम साइज़ बना लें मैं यूट्यूब की वीडियो का साइज़ बना रहा हूँ यहाँ पे ठीक है ट्वेल्व एटी और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो कर रहा हूँ सेवन ट्वेंटी ओके सेवन ट्वेंटी करने के बाद क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अभी आप लोगों के सामने एक ये यूट्यूब की वीडियो का साइज़ ओपन होकर आ जाएगा ठीक है ये देखें ये यूट्यूब की वीडियो का साइज़ है ये आप लोगों के सामने ओपन हो के आ गया अच्छा अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कोई डेमो देने के लिए जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा टेक्स्ट लिख दूँगा और यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर दूँगा हेडिंग में लिख दूंगा यहाँ पे अल्लाह भला करे के वाइट बोर्ड और यहाँ पे इसको हम बेशक इसका कलर चेंज करें जो दिल करता है हमारा चेंज करें मैं जस्ट आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए एक डेमो ये सारी चीज़ बता के दिखा रहा हूँ ठीक है तो इसका आप लोग मतलब के फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं जो दिल करे यहाँ पर हम आते हैं और इसको यहाँ पर इसका जो दिल करे आप लोगों का आप लोग इसका फोट भी रख सकते हैं ठीक है तो फॉर एग्जांपल हमने यही चीज़ रख ली ओके यहाँ पे अब आप लोगों ने आना है एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स के अंदर आने के बाद आप लोगों ने कोई भी चीज़ यहाँ से पिक कर लेनी है फ़ॉर एग्जांपल कोई भी करेक्टर आप लोग पिक करना चाहते हैं लाइक मैं एक ट्री पिक कर रहा हूँ यहाँ से ठीक है ट्री ये वाला ये वाला जो भी दिल करता है इसको उठा लिया यहाँ पर मैंने एक ट्री लगा दिया ये इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर ठीक है उसके बाद दूसरा करैक्टर आप लोग कोई कोई भी चूज़ करना चाहते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बर्ड ठीक है बर्ड कोई उठा लेते हैं यहाँ से लाइक यहाँ पे नीचे आते हैं सी ऑल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ग्राफिक्स के अंदर देखने आप लोगों ने ठीक है ये वाला परिंदा है इसको हम उठाते हैं और यहाँ पे ले आते हैं ठीक है इसको बेशक मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ये इस जगह पर अब यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है कोई बॉय है कोई जो भी करैक्टर आप लोग चाहें ठीक है मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक बॉय को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे हम ये वाला बच्चा उठाते हैं और ये यहाँ पे ये इस जगह पे लगा देते हैं ठीक है ये सर चलें अब हमारे जो एक स्लाइड है उस स्लाइड के अंदर हमारे पास सिर्फ यही करेक्टर हमें इस्तेमाल आने हैं फॉर एग्जांपल तो हम सिंपली क्या करेंगे शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये देखें ये कह रखे पी एन जी आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है तो अभी ये आप लोगों के सामने ये देखें डाउनलोड हो गई ओके चलें जी डन हो गया अब आप लोगों ने सिंपली क्या करना है यहाँ पर आना ये एप्स की ऑप्शन नज़र आ रही है आप लोगों को ऐप्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है और सर्च करना है स्पीड पेंट स्पीड पेंट ओके ये जो पहला है इसको आप लोगों ने क्लिक करना है यहाँ पे आप लोगों के सामने चूज़ आ फाइल की ऑप्शन आ जाएगी इसके ऊपर क्लिक करना है तो अभी जो फाइल हम लोगों ने सेव किया है ये पड़ी है इसको हम कर लेते हैं ओपन ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको आप लोगों ने सिक्सटी फ्रेम पर सेकेंड रखना है ड्यूरेशन आप इसकी यहाँ से बढ़ा सकते हैं ठीक है इसको फाइव सेकंड करना चाहे टेन सेकंड करना चाहे जितनी भी करना चाहे ये कर सकते हैं उसके बाद यहां पे एक चेक बॉक्स ऑन करना है एड स्केचिंग हैंड इफेक्ट ठीक है उसके बाद इसको आप लोगों ने एनिमेट पे क्लिक कर देना है तो यहां पे अभी आप लोगों की इमेज को कन्वर्ट कर रहा है और पूरी एक एनिमेशन बनाएगा जिसके अंदर ये आप लोगों को पूरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके दिखाएगा कैसे अभी आप लोगों के सामने ये बस कंप्लीट होने वाला है ठीक है जी तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है यहाँ पे ठीक है ऑलमोस्ट डन हो गया है और यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे इस जगह पे एक न्यू आ, ये देखें न्यू फ़ाइल आ गई ठीक है यहाँ पे नीचे आप लोगों को ऐड पेज की ऑप्शन नज़र आ रही है ऐड पेज पे मैंने क्लिक किया ऐड पेज पे क्लिक करने के बाद इसको मैंने यहाँ से उठाया ये जो भी नया बना है और यहाँ पर ला मैंने छोड़ दिया ठीक है अभी ये देखें आप लोगों के सामने ये सारा स्केच बनाएगा और हो सकता है इसके अंदर कलर ना करे कलर भी मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा टेंशन नहीं लेनी ठीक है अब इसको हम ज़रा करते हैं प्ले तो आप लोगों ने ये चेक करना है ये देखें तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त करके ये पूरा इमेज आप लोगों के सामने बना रहा है ठीक है वाइट बोर्ड एनिमेशन ये देखें गुड हो गया अच्छा ये हमें लग रहा है कि यार इसने ना बहुत स्पीड में बनाया तो आप यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं ठीक है थीके? मतलब कि आ, कम भी कर सकते हैं यहाँ से इसकी स्पीड ड्रा करने की ठीक है अच्छा, अच्छा अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो कलर ही नहीं आया नो no प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग नीचे हैं आप लोग ब्लैक एंड वाइट इस तरह का बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड नहीं तो आप लोग कलर फेल ड्यूरेशन इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और उसके बाद इसको भी आप लोगों ने टेन सेकेंड कर देना है ठीक है ये काम करने के बाद नाव एनिमेट इमेज दोबारा इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप लोगों ने दोबारा वेट करना है जी तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है अभी आप लोगों के सामने ये ऑलमोस्ट डन हो गया तो यहाँ पे एक और फाइल आ जाएगी अभी हमारे सामने ठीक है थोड़ा सा बस आप लोगों ने वेट करना है यहाँ पे क्योंकि ये सारे इफेक्ट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है ये देखें ठीक है यहाँ पे सिंपली दोबारा एड पेज पे क्लिक किया नीचे ऊपर करेंगे थोड़ा सा और इसको उठा के आप लोगों ने ये इस जगह पे पेस्ट कर देना है ठीक है यहाँ पे अब इसको हम दोबारा से स्ट्रेच करते हैं और बड़ा करते हैं अभी आप लोगों ने ज़रा चेक करना है ये फिर एक बार ब्लैक एंड वाइट करेगा ब्लैक एंड वाइट करके उसके अंदर कलर फिलिंग करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त करके ये एनिमेशन बनाएगा यहाँ पर ये देखें ज़रा इसको हम प्ले करते हैं अभी आप लोगों ने सिर्फ चेक करना है कि ये देखें कैसे बना रहा है तो ये पहले करेक्टर्स बना रहा है जबरदस्त, ज़बरदस्त हो गया ठीक है ऊपर जो लिखना था वो भी ये लिख रहा है बेस्ट हो गया हाँ जी आप कलरिंग के ऊपर आए देखिए कितने ज़बरदस्त इसने कलर कर रहा है देखें ज़रा इसमें ओए ओए होए, गुड हो गया भाई हाँ इसके कच्ची भी कलर कर भाई हाँ जी गुड 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 माशाल्लाह ये चेक करें जन्नावे वाला ठीक है और उसके बाद वाइट बोर्ड डैम ओए होए होए कितनी ज़बरदस्त इसने एनिमेशन बना के मैं दे दी ठीक है सिंपली आप लोगों ने शेयर पे क्लिक करना है शेयर पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगी एम पी फोर के अंदर होगी ये कह रहे हैं कि आ, मतलब कि सारे पेज करने हैं नहीं मैं यही करना है जिसके ऊपर मैं आ, अभी काम किया है सिर्फ मैं वही सिलेक्ट करके पेज थ्री था ना आई थिंक पेज थ्री था तो पेज टू को और पेज वन को मैंने अनचेक कर दिया ठीक है और सिर्फ पेज थ्री को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ ठीक है अच्छा अब आप लोगों ने करना क्या अब आप लोग यहाँ पे आए जरा यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे आके आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर चेक करना है बच्चों के कॉन्टेंट को बच्चों का कॉन्टेंट इतना बन सकता है यहाँ पे बच्चों की किड स्टोरीज बन सकती है बच्चों के लर्निंग की वीडियोज बन सकती है ए फॉर एप्पल ए के अंदर भी कलर हो रहा है एप्पल अप, के अंदर भी कलर हो रहा है मतलब कि जो चीज़ आप लोग बनाना चाहें बच्चों से रिलेटेड किड से रिलेटेड वो आप लोग यहां पे बना सकते हैं ठीक है अब इसमें प्रोसेस क्या होगा वो थोड़ा सा समझ लें कि आप लोगों ने वॉइस ओवर कर लेना है जो भी आप लोगों का कॉन्टेंट होगा वॉइस ओवर करने के बाद आप लोगों ने अपने वॉइस के लिहाज से इस तरह मतलब कि ये पाँच सेकंड की या दस सेकंड की एनिमेशन बनी है ना तो जो जो आपकी वॉइस के अंदर चीज़ें आ रही हैं उससे रिलेटेड आप लोगों ने सारी एनिमेशंस बना लेनी है एनिमेशंस बनाने के बाद सिंपली आप लोगों ने किसी भी एडिटर के अंदर जाना है या आप लोग कैनवा में भी कर सकते हैं लेकिन आप लोगों के पास काइन मास्टर या वी एन या एडॉप प्रीमियर कुछ भी है उसके अंदर जाके ऊपर ये एनिमेसन रख देनी है नीचे आप लोगों ने अपना वॉइस ओवर रख के इसको सेट कर देना है बाकी आप लोग फाइवर के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं वाइट बोर्ड एनिमेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जो चाहें आप लोग जहाँ जैसे दिल करें आप लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं ठीक है तो ये दो तीन तरीके थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया बाकी आप खुद फनकार हैं आप लोग खुद क्रिएटिव हैं आप लोगों को पता होगा कि मजीद तरीके भी आप लोग इसे जनरेट कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाफिज़ पाकिस्तान बाइंदाबाद